हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कब हुई थी, देखिए ऑप्शन दिए हैं, ए 526, बी दिया है 1526, सी दिया है 1761 और डी दिया है 1739 ईस्वी। तो देखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी, देखिएगा प्रथम जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में, और द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1539 में, और तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1761 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1761। इसका आंसर हो जाएगा 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। इसकी परसेंटेज होती है वायुमंडल में 78.3%। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है, उसकी परसेंटेज है 78.3%। तीसरा क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं। देखिए ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, समतल मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो ये उड़ते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी समताप मंडल में। चौथा क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसका, प्लेटिनम, हीरा, इस्पात, पत्थर। तो देखिए सबसे कठोर जो धातु है वो है हीरा। ये हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप है जो कि सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। पांचवा क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसमें नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा, एक ही गैस होगा, ऑक्सीजन होगा। तो देखिए बिजली के जो बल्ब होता है, बिजली का जो बल्ब होता है इस टाइप से, तो इसमें जो गैस भरी होती है वो भरी होती है एक ही गैस है, हीलियम नियोन आर्गन, जो एक ही गैस होती हैं जिनके परमाणु क्रमांक के लास्ट में इलेक्ट्रोविन्यास में 8 आता है। तो छठा क्वेश्चन है, देखिए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा किस में चिल्का झील है, इसका आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा में। छठा क्वेश्चन है, एसएच का संबंध किस खेल से। ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसमें ए क्रिकेट, घुड़सवारी, फुटबॉल, तीरबाजी। तो देखिए एसएच का जो संबंध है वो किस खेल से है, वो है क्रिकेट से। इसका आंसर हो जाएगा ए क्रिकेट। आठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। ऑप्शन दिए है टीबिया, पेल्विस, फीमर, हुमर्स। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है फीमर, ये होती है जांग में, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, और ये होती है कान में। स्टेपिस हड्डी जो होती है ये होती है कान में, सबसे छोटी हड्डी होती है। नवा क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो ये फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है, देखिएगा इसको ऑप्शन दिए हैं, कुवैत, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। दसवां क्वेश्चन है, उड़ीसा भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो उड़ीसा देखिए किस राज्य का नृत्य है, उड़ीसा का ही है, ओडिसी किस राज्य का नृत्य है, उड़ीसा का। और देखिए केरल जो है ये केरल किसका है, कथक का, कथकली जो है केरल में मनाया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, केरल की कथक यानी कथकली कहाँ मनाया जाता है, केरल में। और देखिए कर्नाटक का क्या है, कर्ण में करो यक्षगान, यानी कर्नाटक का क्या है, यक्षगान। ग्यारहवा क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो ये देखिए ऑप्शन ए ये दे रखा है, बी ए, सी चंपाए, डी राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है, राजगृह, डी आंसर हो जाएगा। बारहवा क्वेश्चन है, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, अरहर में होता है, गाजर में होता है, गेहूँ में होता है, सोयाबीन में होता है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सोयाबीन। तेरहवा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होगा, एल्यूमिनियम एल बोलते हैं, इसका प्रतीक एल होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क। तो ये हो जाएगा बॉक्साइट, इसका आंसर हो जाएगा डी बॉक्साइट। चौदहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान। तो देखिए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी तंत्रयान, डी आंसर हो जाएगा इसका तंत्रयान, ये बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। पंद्रहवा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था,
सुभाष चंद्र बोस ने, सी देखिए का ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था जय हिंद, इन्होंने दिया था ये नारा। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन दिए हैं ए दिल्ली से शुरू हुआ था, या झांसी से शुरू हुआ था, या कानपुर से, या मेरठ से। तो ये शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी मेरठ। 17वां क्वेश्चन है, किस अयस्क में लोह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हेमेटाइड में, इसका आंसर हो जाएगा ए हेमेटाइड। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है देखिए 240, 270, 356, 370। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर को जो अलग दर्जा दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 370 में इसका प्रमाण मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 18वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं देखिए, मस्तिष्क के अधरतल पर, सेरेब्रम पर, या सेरेबिलम पर, या मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। तो ये पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, इसका आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क के अधर तल पर। लास्ट क्वेश्चन है, 20वां, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? यानी किसने महात्मा गांधी को, गांधी जी को महात्मा गांधी कहा था, ये कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये 20 के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और जो एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन था उसका, किस देश की जनसंख्या दर वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो उसका आंसर कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।